नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज गोल्ड में कुछ जो है दस्त स्थितियां बन सकती हैं। तो जैसा आप जानते ही हैं, हमारे कार्यालय से जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न वास्तु के साथ साथ शेयर मार्केट के एस्ट्रोलॉजी में आप गोल्ड है, सिल्वर है, निफ्टी है, निफ्टी बैंक है, क्रूड ऑयल है, इन सभी का दैनिक, वीकली, मंथली प्रिडिक्शन जान सकते हैं, ले सकते हैं। और आज जो ग्रह स्थिति बनी हुई है, तो मंगलवार का दिन है, 30 जुलाई 2024, कृतिका नक्षत्र 10:22 तक। इसके बाद रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव आने वाला है, वृषभ राशि पूरे दिन रहने वाली है। और आज की खास बात यह है कि वृषभ राशि में जो है गुरु है चंद्र, मंगल और हर्षल का योग बना हुआ है। हो सकता है इनके प्रभाव से हमें मार्केट में कुछ ज़बरदस्त स्थिति आज देखने को मिल सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, आज के मार्केट के लेवल्स क्या बन सकते हैं वह मैं आप लोगों को बतलाऊंगी, लेकिन सारी गणना एस्ट्रोलॉजी पर आधारित होती है। आप मार्केट का रुख जरूर देखें, स्वविवेक का उपयोग जरूर करें, इसके बाद ही आप ज्योतिष की जानकारियों को देख सकते हैं। और इसके साथ डिस्क्लेमर पढ़ना आपके लिए अति अनिवार्य है। तो आज यदि हम गोल्ड जो इसके लेवल्स देखे गए हैं, हो सकता है यदि मार्केट पॉजिटिव होता है तो कुछ अच्छा जो है रिजल्ट हमें दिखला सकता है, लेकिन यह सारी गणना एस्ट्रोलॉजी पर आधारित होती है। तो यह बात विशेष ध्यान में रखें, स्वविवेक का उपयोग जरूर करें, मार्केट के रुख को जरूर ध्यान में रखें। तो गोल्ड यदि हम देखें तो 68,685 पहला लेवल आपके लिए है, दूसरा जो बन सकता है 68,781, तीसरा बनेगा 69,207, यहाँ तक यह जा सकता है। लेकिन आपको मार्केट का रुख समझना अति आवश्यक है। डाउन की स्थिति में यदि हम देखते हैं तो 68,380, 68,771 और 68,160 या 69 तक भी ये जा सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार हम सिल्वर में देखेंगे क्या स्थिति बन सकती है। सिल्वर का अपसाइड का पहला लेवल जो बन सकता है 81,792, 81,992 और 83,800 तक जा सकता है। यदि हम तीसरा लेवल देखें डाउन के लिए, यहाँ पे यदि हम सिल्वर में देखें 81,282, 81,110 और 80,500 के आसपास भी यह जा सकता है। लेकिन दोस्तों यही कहूँगी कि यह सारी गणना एस्ट्रोलॉजी पर आधारित होती है, और आप मार्केट का रुख देखें, देखें कि यह लेवल कितने सही जाते हैं, मार्केट में क्या गतिविधि बन सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, वक्त का इंतज़ार करते हैं और चेक करेंगे कि आगे क्या होगा। धन्यवाद।